प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोमोज की रेसिपी, पर हम बनाएंगे आज तंदूरी मोमोज, वो भी बिना तंदूर के बहुत ही आसान तरीके से। और इस रेसिपी में आप स्टीम मोमोज और तंदूरी मोमोज दोनों की रेसिपी एक ही वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो सबसे पहले बनाते हैं हम स्टफिंग। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें जिंजर गार्लिक डाल दिया, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने क्रश करके डाला है। इसके बाद फाइनली चॉप कैबेज, कैरेट और मैंने ग्रीन अनियन डाले हैं। इसी के साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपको इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है और इसको साइड रख देंगे। और मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली डाली हुई है, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। चलो अब हम डो लगाते हैं मोमोज के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक कप आटा लिया है और थोड़ा सा नमक डाला है और इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। इसका जो डो होता है ना मोमोज का, थोड़ा सा लचीला होता है इस तरह से, बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, एकदम मीडियम सॉफ्ट है। अब हम इसके छोटे छोटे सी बॉल्स बनाएंगे और इस तरह से आपको एक छोटी सी पूरी बनानी है। ध्यान रखना है कि थिन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खाने में मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे और मोमोज बहुत टाइप के बनते हैं, आपको जैसा भी शेप देना है आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह का शेप दिया है और जो मोदक टाइप बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे भी मैंने बनाए हैं कुछ मोदक, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से एकदम सिंपल है कि प्लेट्स जो है एक के अंदर एक प्लेट्स आपको जोड़ते जानी है तो ये मोमोज बन जाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत टाइप के मोमोज हैं जो आपको ईजी लगते हैं वो मोमोज आप बना सकते हैं, और ये बहुत फनी भी होता है, मज़ा आता है इसको बनाने में। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप्स के ही बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको स्टीमर में स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, नीचे पानी रखा है, ऊपर ये छलने वाली प्लेट रखी है। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें सारे मोमोज रख देंगे। सारे मोमोज रखने के बाद इसे हम कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना आए, और इसको कम से कम 12 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। 12 मिनट के बाद आपके मोमोज बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। स्टीम होने का साइन होता है कि इनके ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है, आपको हल्की हल्की सी स्टफिंग दिखेगी, इसका मतलब आपका जो मोमोज है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपको स्टीम मोमोज खाने हैं तो आप ऐसे ही इनको इंजॉय कर सकते हैं मेयोनीज या चटनी के साथ। इसकी चटनी की रेसिपी मैंने अपने पिछले मोमोज वाले वीडियो में शेयर की है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैंने चटनी बनाई है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट में चटनी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मोमोज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे और परफेक्ट बने हैं, काफ़ी अच्छे से स्टीम भी हुए हैं। बट अब हमको तंदूरी मोमोज बनाना है, तो इसके लिए डीप फ्राई करना होगा मोमोज, तो हल्के हल्के डीप फ्राई करने हैं, या आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं। तो वैसे हम इसको तंदूरी मोमोज बनाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं। आप डायरेक्टली भी डीप फ्राई कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्टीम नहीं करना है और डायरेक्ट तंदूरी मोमोज बनाने हैं तो आप डायरेक्टली बिना स्टीम करके भी इसे थोड़ा सा कुक कर लीजिए, मतलब डीप फ्राई कर लीजिए, और फिर आप स्टीम वाली तंदूर वाली जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुक कर लिया है, इनको डीप फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इनके लिए तंदूर के लिए हम मैरिनेट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर्ड लिया है, तो ये 2 से 3 बड़े चम्मच कर्ड है। इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ बेसन। बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर सत्तू भी डाल सकते हैं, पर भुने हुए जो बेसन है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 बड़े चम्मच आपको बेसन डालना है। इसी के साथ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, तो 1 से 2 छोटे चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाला है, तो 1 छोटा चम्मच आपको चाट मसाला डालना है। इसी के साथ कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी क्रश करके डालनी है। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम लेमन जूस इसमें स्क्वीज कर देंगे, और इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, फिर रेड चिली पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाला है, आप पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद गर्मा गर्म सरसों का तेल इसमें डालेंगे। सरसों के तेल को आपको गर्म कर लेना है किसी भी पैन में, तो जब तक इसमें से धुआं नहीं निकलने लग जाता, और बस उस गर्मा गर्म
तेल को आपको इसमें डाल देना है। और अब मैंने थोड़ा कलर के लिए इसमें डाला है फूड कलर, आप चाहे तो जो रेड चिली आती है कलर वाली वो यूज़ कर लीजिए। मेरे पास कलर वाली नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली, इसलिए मैंने कलर डाला है। बिल्कुल ऑप्शनल है कलर डालना, कोई ज़रूरी नहीं है। और जैसे ही मैरिनेट हमारा बन गया है, इसके बाद सारे जो मोमोज हमने डीप फ्राई करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको आप कोल से ना धुआं भी दे सकते हैं, मतलब स्मोक दे सकते हैं, बट मेरे पास कोल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसको, और ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम सारे मोमोज इसमें डालेंगे एक के बाद एक। तो धीरे धीरे आप इसमें मोमोज डालिए, बस ध्यान रखना है कि जब तक ये सेट नहीं हो जाता, अच्छे से पक नहीं जाता, आपको इसको फ्लिप नहीं करना है। मतलब ये अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद ही आपको फ्लिप करना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा और फिर वैसा टेक्सचर नहीं आएगा जैसे तंदूरी मोमोज का आता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको कुक करना है, बहुत जल्दी हो जाता है ये, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये 2 मिनट के अंदर अच्छे से पक जाएगा, फिर आपको बहुत ही डेलिकेट तरीके से इनको फ्लिप करना है। आप चाहें तो किसी चम्मच का या चमचे का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको फ्लिप करने के लिए। तो हल्के हल्के हाथों से आप इनको फ्लिप कर दीजिए, आप देख सकते हैं कि इसमें स्पॉट आ गए हैं गोल्डन ब्राउन। आप इसको चाहें तो और ज़्यादा, जितना आपको क्रिस्पी चाहिए उतना आप इसको कुक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो तंदूरी मोमोज हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो रहे हैं। दोनों साइड से आपको गोल्डन ब्राउन करना है, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको बहुत ऑयली लगेगा। हल्का सा ऑयल डालना है और इसी तरह के नॉन स्टिक पैन में ही कुक करेंगे तो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है तंदूरी मोमोज बनाने का। तो चलिए अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको सर्व किया है, आप केचप के साथ, मेयोनीज के साथ इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है तंदूरी मोमोज का, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, एक बार ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही सिंपल सी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।